छेनू का? मुझे नहीं मालूम। छेनू यहां है। ये मेरा और इसका मामला है। लगता है इसने भी शेरनी का दूध पिया है। तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे ये उम्मीद थी कि तुम यहां जरूर आओगे, और तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कमजोर को मार के माल छीन लोगे। मैं अपने इलाके में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, और हम एक बार जिस चीज पे कब्जा कर लेते हैं वो कभी दूसरे की नहीं कहलाती। एक मयान में दो तलवारों का मतलब है एक का टूट जाना विकी, और विकी फौलाद से बनी वो तलवार है छेनू, जिसने सिर्फ काटना सीखा है। और छेनू का सबसे बड़ा शौक ऐसी तलवारों को झुकाना होता है। विकी, हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। क्या वक्त ने समझा है, क्या दौर ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। सलाम साहब। तो चलो आते ही फिर से धांधली शुरू कर दी? नहीं नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरी मोटरसाइकिल फिसल गई थी, वो देखिए ना सब चीजें टूट गई। ये सिर पे चोट भी लगी है? जी हाँ, ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर को दिखा देना। वो मैं खुद ही दिखा दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अजी बड़े जोर से फिसला था, वो तो खुशकिस्मत था कि बच गया। इस बार तो बच गया, अगली दफा फिसले तो सीधा अंदर। ओके चलो। अंदर की बात छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, अभी तो मुकाबला खत्म नहीं हुआ, सिर्फ शुरू हुआ है। क्या हुआ बेटे? उसी मानी जरा सी चोट आई है, ठीक हो जाएगी। कुछ भी नहीं, मर्द को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। कितना गहरा घाव है, और कहते हो कुछ भी नहीं, माजरा दवाई तो लाना। हाँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तुम रहने दो, मैं खुद ही बांध दूंगा। ये फोकट की बहस अपने को पसंद नहीं। माँ जी कहती है जब घर में औरत हो तो उसका फर्ज है कि मर्द को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना औरत किस काम की? बोलो बोलो, मुंह क्या देख रहे हो? लच्छो, तुम लोग कितने अच्छे हो, समझ में नहीं आता तुम लोगों की हमदर्दी का बदला कभी चुका नहीं। एक बार उस हत्यारे विनोद ट्रक ड्राइवर को तलाश कर दो। लच्छो, तुम्हारी तरह मुझे भी किसी की तलाश है। इतना वादा जरूर करता हूं, जिस दिन मेरी तलाश पूरी हो जाएगी तुम्हारी तलाश भी पूरी कर दूंगा। एक काम कर, इसे अंदर भेज दे। अच्छा, छुट्टन से कहा है? अंदर लेटे आराम कर रहे हैं। बोल तो, जीनत आई है। तुम ही जाओ,
मैं तो अभी पिटकर आया हूँ। आए क्यों, क्या हुआ? रात मोती चूर के लड्डू ले आया कोई, बस मजे में दबा के खा लिए। आज सवेरे से लोटा पकड़े, एक अंदर एक बाहर। छुट्टा, तेरा बाप तेरी मौत का पैगाम है। आता नहीं कि? अच्छा कोई बात नहीं, हाँ पैसे कल चुका देना, क्यों आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, और आपको क्या चाहिए, गरम मसाला? अरे बाप रे, ओ मर गया, चिंतन आ गया। अनाज का लालच देकर मजबूरों की इज्जत का सौदा करने वाले जलील। मेरा नाम इंस्पेक्टर माधव है। कानून की हिफाजत के लिए मैं तुम जैसे गुंडों की खाल खींच देता हूं। मैं जानता हूं तुम जैसे थर्ड क्लास गुंडे चंद नोटों के लिए सेठों के हाथ पिक कर अपना सब कुछ खो बैठते हैं, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि साफ साफ बता दो कि छुट्टन पर हमला किसने करवाया, कौन था तुम्हारे पीछे? मेरे पीछे? मेरे पीछे गरीबों की भूख थी इंस्पेक्टर साहब, मेरे पीछे मां बहनों की इज्जत है जो चंद अनाज के दानों के लिए छुट्टन जैसे कमीने लूट लेते हैं। आप जानते नहीं जीनत को, उस बुढ़िया मां की छोकरी को, अपनी मां का पेट भरने के लिए छुट्टन के पास अनाज के चंद दाने उधार मांगने के लिए गई थी, लेकिन उसके बदले में छुट्टन ने उसे क्या दिया? उसकी इज्जत लूट ले। उसकी सजा देने वाले तुम कौन होते हो? कानून के ठेकेदार? माँ बहन लगती थी तुम्हारी वो? हाँ, थी, वो मेरी बहन थी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बहन थी। अगर यही सलूक आपकी माँ बहन के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? जिसके घर में आग लगती है इंस्पेक्टर साहब, वही उसकी जलन को महसूस कर सकता है। मैं अपनी बहन की इज्जत पे आंख उठाने वाले हर छुट्टन का खून पी जाऊंगा, खलास कर दूंगा उन गरीब मासूमों की भूख के लुटेरों को। तुम क्या समझते हो एक छुट्टन को मारकर हजारों बेटियों की इज्जत बचा सकते हो? चंद दुकानदारों को खत्म करके सारे देश का पेट भरना चाहते हो? मैंने जो ठीक समझा वो कर दिया, लेकिन आप बताइए साहब, क्या इस खेल को रोकने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता है शेनू, कानून उस पर चल भी रहा है, लेकिन तुम जैसे लोग उसमें रुकावटें डालते हो। हम क्या करते साहब? बड़े बड़े सेठ तुम लोगों की ताकत का नाजायज फायदा उठाकर माल को दबाकर मुनाफे में बेचते हैं, और तुम गुंडों की वजह से पब्लिक कुछ बोल नहीं सकती। क्या तुम जैसे बदमाश ये सब नहीं करते? साला मां कसम, ये तो अपने ही भाई बहन करते हैं साहब, हम अपने ही हाथों अपने ही गरीब भाइयों को लूट रहे हैं। अगर तुम लोग कानून का साथ दो, माल कहां से आता है, कहां रखा जाता है, हमें खबर दो, हम माल को पकड़ेंगे और सरकार 10% उसका तुम लोगों को देगी। इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो अपन के दिमाग में आज तक घुसी ही नहीं थी। मैं कसम खाता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं उन एक एक जगह का पता चलाऊंगा और अपने जैसे हर गुंडे को जाकर ये बात बताऊंगा कि ये सेठ लोग ही अपन लोगों को बकरा बनाए हुए। मैं तो इन सब की... अच्छा साहब, आप देखो अपन क्या करता है, अपन जाता है साहब। ठहरो, हमने तुम्हें छुट्टन पर हमले के चार्ज में पकड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, शेनू की जमानत के लिए एक आदमी आया है। कौन है? कोई साबिर मियां सर। साबिर बाबा? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे मकान के कागजात हैं। लाइए। उम्मीद है मेरी जमानत आपको कबूल होगी। जी हाँ, जरूर जरूर बाबा, तुम्हारा एहसान में। अरे फर्ज निभाना एहसान नहीं होता पगले। बाबा तुम बाद में आओ, मैं जरा चलता हूँ। कहाँ? अपने नेक फर्ज को निभाने बाबा।
विकी। तुम बहुत मुश्किल से तेरा पता चला यार। घर तो बहुत बढ़िया बना लिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चले जाओ यहां से। मैं यहां कोई झगड़ा करने नहीं आया हूं, समझौता करने आया हूं। बड़ी जल्दी समझौते की जरूरत पड़ गई। लेकिन याद रखो छेनू, विकी बांट कर खाने का आदि नहीं। वो आदत तो मेरी भी नहीं है राजा। विकी, बात इलाके की नहीं, उन बदमाश भाइयों की है जिनकी ताकत का गलत फायदा उठाकर सेठ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे। मैं चाहता हूं विकी कि हम दोनों मिलकर अब उन बदमाश भाइयों को सही रास्ता दिखाएं, उन्हें बताएं कि जो छेनो, विकी हमेशा अपना खेल अकेले और अपनी मर्जी से खेलता है। दूसरों के साथ मिलकर नेतागिरी और चमचागिरी की आदत नहीं है मुझे। जबान संभाल कर बात कर विकी, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी खोपड़ी उलट जाए और उस दिन का अधूरा फैसला मुझे आज करना पड़े। अगर एक मिनट में तुम यहाँ से नहीं गए तो इस घर से तुम्हारी लाश जाएगी। उससे पहले तुम्हारे इस घर को मैं तुम्हारी कब्र में बदल दूंगा। चले जाओ यहाँ से। तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना, ये लीजिए। मम्मी तू बोलती क्यों नहीं? पापा ठीक हो जाएंगे ना। मत रो बेटा। कहाँ है वो?